इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए लियम लिविंगस्टन ने इस सीजन कमाल की बल्लेबाजी की थी। उन्होंने पंजाब को कुछ मुकाबले तो अकेले के दम पर जिताए थे। हालांकि पंजाब के लिए ये सीजन ज्यादा अच्छा नहीं गया और वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे, लेकिन लियम लिविंगस्टन ने जिस तरह की बल्लेबाजी आईपीएल में की उससे पंजाब और आईपीएल फैंस का खूब इंटरटेनमेंट हुआ। लियम ने अपनी उसी फॉर्म को अभी तक बरकरार रखा है और अपने देश इंग्लैंड जाकर भी वैसी ही ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं। उन्होंने इंग्लैंड में चल रही T20 ब्लास्ट में ऐसी धमाकेदार पारी खेली है कि सभी फैंस की नजरें बस गेंद को ढूंढती रह गई। ये मैच लैंकशायर और डर्बीशायर के बीच खेला जा रहा था, जिसमें लिविंगस्टन लैंकशायर की तरफ से खेल रहे थे। डर्बीशायर के खिलाफ लैंकशायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 219 रन बनाए। इन 219 में से 75 रन अकेले लिविंगस्टन के बल्ले से निकले थे, वो भी बड़े धमाकेदार अंदाज में। लिविंगस्टन ने 40 बॉल में लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 75 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 छक्के और 5 चौके निकले, यानी उन्होंने 50 रन तो सिर्फ 10 बॉल में बाउंड्री की मदद से ही बना लिए थे। वहीं मैच की बात करें तो मुकाबला भी लिविंगस्टन की टीम लैंकशायर ने जीता। टारगेट का पीछा कर ही डर्बीशायर ने जोर तो काफी लगाया, लेकिन लिविंगस्टन की धमाकेदार पारी के सामने उनकी पारी छूटी पड़ गई। डर्बीशायर टारगेट से 17 रन दूर रह गया था। आपको बता दें, लिविंगस्टन ने इस सीजन आईपीएल के 14 मैचों में 36.42 की एवरेज और 182.08 की स्ट्राइक रेट से 437 रन बनाए थे।